धर्मशाला के मकलोडगंज में कोरोना संक्रमण से हुई तिब्बती व्यक्ति की मृत्यु के बाद नगर निगम धर्मशाला पूरी तरह सतर्क हो गया है। किसी और व्यक्ति में ये संक्रमण ना फैले, इसके लिए नगर निगम ने कमर कस ली है। मकलोडगंज सहित धर्मशाला शहर को सैनिटाइज करने का कार्य आजकल जोरों पर है। नगर निगम धर्मशाला में अग्निशमन विभाग के साथ मिलकर पूरे शहर को सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है ताकि कोरोना वायरस को डिसइन्फेक्टेटेड कराया जा सके। सैनिटाइजिंग के दौरान नगर निगम के कमिश्नर और मेयर खुद फील्ड के अधिकारियों के साथ डटे हुए हैं। नगर निगम के कमिश्नर प्रदीप ठाकुर ने बताया कि धर्मशाला में अधिक भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों सहित बाजार को सैनिटाइज किया गया है ताकि इस महामारी को फैलने से रोका जा सके। जैसे आपको पता ही है कि जब से COVID-19 महामारी का प्रकोप आया है, तो क्योंकि धर्मशाला टाउन स्पेसिफिकली यहाँ पे जैसे COVID-19 का केस भी हो चुका है और एक आदमी की यहाँ पे मृत्यु हुई थी, तो इसके लिए जिस तरह से सब जगह पे एक प्रोटोकॉल के हिसाब से सफाई का एक अभियान चलाया जाता है, उसी के तहत हम एक स्टेप आगे जाके जो सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो छिड़काव है उसको हम फायर सर्विसेज की मदद लेके उसके पूरे का पूरा फायर टेंडर, ये कोई 4,000 लीटर का फायर टेंडर है, उसको सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन उसमें मिला के जो प्रस्क्राइब उसकी डाइल्यूशन है उसके हिसाब से, तो जो मुख्य मार्केट है यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल अभी आज की डेट में लग रहा है, वहाँ पर हम आज इसका छिड़काव करने जा रहे हैं ताकि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से जितने भी पब्लिक प्लेस है जहाँ पे जिन सर्फेस के ऊपर ये जो भी किसी इन्फेक्टेड आदमी से इन्फेक्शन जाने का खतरा रहता है उसको डिसइन्फेक्ट किया जाए। आज हम जैसे मैंने बताया कि मुख्यतः जो बड़ी मार्केट है जैसे आपका कचहरी अड्डा हो गया, कोतवाली बाज़ार और मकलोडगंज का जो पूरा मकलोडगंज स्क्वायर और उसके आसपास जितने भी अंदर की गलियां हैं उनको सबको हम कम्प्रीहेंसिवली इस फायर टेंडर के माध्यम से डिसइन्फेक्ट करेंगे। नहीं, कोरोना तो हम सारे समाज के लिए एक चुनौती है आज की डेट में, और जिस तरह से पूरे विश्व में और हिंदुस्तान में भी अभी 21 दिन का लॉकडाउन है उसका मकसद यही है कि लोग कम से कम बाहर निकले, एक तरह की फिजिकल डिस्टेंसिंग करें और बचाव ही इसका एक माध्यम है जिससे इस बीमारी से बचा जा सकता है। और जितनी भी हमारी ये पब्लिक सर्विसेज की एजेंसियां हैं जो इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है उनका काम ये है कि इसको लोगों को जागरूक भी करें, लोगों को साथ साथ जागरूकता के साथ साथ जो इसके प्रभावी कदम होते हैं जैसे सैनिटेशन है, सब जगह पे सब स्थानों को हम डिसइन्फेक्ट करके उसके फैलाव को रोक सकें, वो हमारा जिम्मेवारी है। और लोगों को इसमें साथ आके जिस तरह की हिदायतें टाइम समय समय पर स्वास्थ्य विभाग की तरफ से या सब जगह से उनको मिल रही है वेरीफाइड इंफॉर्मेशन, उसी हिसाब से लोगों को उसका पालन करने की हमारी तरफ से भी ये गुजारिश रहेगी। और नगर निगम हमेशा लोगों से ये आपके माध्यम से भी बोलना चाहता है कि आप लोग कम बिल्कुल घर से बाहर ना लाएं जब तक बिल्कुल आपको ज़रूरी ना हो, आपके सिर्फ ग्रोसरी शॉप तक ही जाएं, इस तरह से जाएं कि आप लोगों के साथ दूरी बनाए रखें और अपने घर का कूड़ा अपने घर में ही अलग करके रखें। नगर निगम के कर्मचारी आपके घर के कूड़े को वहीं से उठाने का इंतजाम कर रहे हैं और जितने दिन की आपके लिए ये 21 दिन का जो लॉकडाउन करा है और जो शहर में कर्फ्यू है उसका पूर्णतः पालन करें ताकि हम सारे लोग इस महामारी से बच पाएं। सबको बचाव में ही इसका एकमात्र इलाज है, तो सबसे मेरी यही आगे द्वारा रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग बाहर रहें और नगर निगम आपके सेवा में तत्पर रहेगी। हमारे सारे कर्मचारी अधिकारी सारे इसी काम में लगे हुए हैं। नगर निगम के मेयर देवेंद्र जग्गी ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए धर्मशाला शहर को पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले नगर निगम द्वारा छोटी मशीनों के साथ मैनुअल तरीके से छिड़काव किया जा रहा था, लेकिन आज अग्निशमन दल के साथ मिलकर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों में शहर में सोडियम क्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है ताकि कोरोना संक्रमण के प्रभाव को कम किया जा सके। मेयर ने कहा कि मकलोडगंज में 33 व्यक्ति की मौत के बाद पूरे मकलोडगंज को सैनिटाइज किया गया है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से ये सुनिश्चित करने में जुटी है कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से बाहर ना निकले। जग्गी ने कहा कि कॉरपोरेशन के सभी एरिया में वार्डों को सैनिटाइज किया गया है और कर्फ्यू के दौरान ड्यूटी पे जुटे पुलिसकर्मियों के लिए कॉरपोरेशन द्वारा विशेष तौर से सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा तैयार किए गए मास्क तैयार किए गए हैं जो कि पुलिसकर्मियों में भी बांटे गए हैं।
देखिए, पूरा कॉरपोरेशन एरिया में पूरे एरिया को सैनिटाइज किया जा रहा है। पहले तो हम छोटी मशीन से मैनुअली करवा रहे थे सभी से, लेकिन आज हमने फायर ब्रिगेड से बात करके, फायर ऑफिस से बात करके, फायर ब्रिगेड की आज गाड़ी जो है वो पूरे शहर को सैनिटाइज कर रही है। और दूसरा, मैक्लोडगंज में जैसे कि एक हमारे तिप्तिन की वहाँ डेथ हुई है, उसको देखते हुए पूरे मैक्लोडगंज को सैनिटाइज कर दिया गया है और पुलिस प्रशासन ने वहाँ पूरा एहतियात रखा है, किसी को बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। और कॉरपोरेशन के सभी एरियाज़ में जहाँ जहाँ एरिया को हमने पूरे वार्ड को सैनिटाइज करना है, और पिछले 3-4 दिन से उसको पूरे शहर को हम सैनिटाइज कर रहे हैं, लेकिन आज हमने फायर ब्रिगेड की गाड़ी से पूरे शहर को सैनिटाइज करेंगे। और जितने भी हमारे पुलिस वाले जो दिन रात रास्तों पे खड़े हैं, सड़कों पे खड़े हैं, उनके लिए विशेष तौर पे हमने अपने सेल्फ हेल्प ग्रुप से मास्क बनाए हैं जो उनको बांट रहे हैं, ताकि वो वाशेबल हैं और सुबह पहन के आ सकते हैं, रात को घर में उसको खोल सकते हैं, जाके धो के दोबारा पहन सकते हैं। तो कॉरपोरेशन अपने लेवल पर जितना हो सकती है उतना कर रही है, और लोगों से मेरा निवेदन है कि घर से बाहर ना निकलें। और तीसरा, जो शॉप्स पे 8 और 11 तक जो शॉप्स खुली हैं जो ज़रूरी सामान के लिए, आज ही हमने ऑर्डर किया है कि उन पे हम लोग शॉप के बाहर सर्कल बनाएंगे 1.5 मीटर का, ताकि लोग जो सोशल डिस्टेंस है वो बनाए रखें।